चलिए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 76 से। ये आपका अलजेब्रा का क्वेश्चन है और फॉर्मूला बेस है। तो सबसे पहले फॉर्मूला को हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब कितना फॉर्मूला होता है, तो ए प्लस बी और ए स्क्वायर प्लस कितना बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है ना, ये फॉर्मूला है। तो इस पर हमसे कहा जा रहा है सिक्स रूट सिक्स पी क्यू, मतलब इसको आप लिख सकते हैं ऐसे रूट सिक्स पी का क्यू प्लस टू रूट टू क्यू का क्यू। ठीक है, यहाँ पर टू रूट टू है तो इसको भी हम लोग क्यू के अंदर में हम लोग लिख सकते हैं। अब फॉर्मूला पर इसको ब्रेक करते हैं तो फॉर्मूला पर कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा रूट सिक्स पी प्लस रूट टू क्यू, इसका स्क्वायर करेंगे तो सिक्स पी स्क्वायर आएगा प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो टू क्यू स्क्वायर माइनस रूट ट्वेल्व पी क्यू होगा ना। अब चलिए यहाँ पर अगर हम लोग देखा जाए, यहाँ पर पी स्क्वायर का कोफिशियंट कितना है, एस है, तो पी स्क्वायर का कोफिशियंट यहाँ पर कितना है, सिक्स है। तो एस का वैल्यू कितना हो गया, सिक्स। यहाँ पर क्यू स्क्वायर का कोफिशियंट कितना है, तो एम है, तो यहाँ पर हम लोगों का कितना हो जाएगा, एम वैल्यू हो जाएगा। एन टू यहाँ पर कितना लिखा हुआ, माइनस एन पी क्यू, तो एन का वैल्यू कितना हो गया, तो आपका रूट ट्वेल्व। हम लोग को वैल्यू किसका निकालना है, एस स्क्वायर। एस का वैल्यू कितना आया, तो सिक्स। सिक्स का स्क्वायर कितना आएगा, 36। एम की जगह पर कौन है, टू है, एम का वैल्यू कितना है, टू है, तो टू का स्क्वायर कितना, फोर प्लस टू एन स्क्वायर। तो एन इक्वल टू दे रहा है रूट ट्वेल्व, तो एन इक्वल टू कितना हो जाएगा, ट्वेल्व हो जाएगा। एन स्क्वायर इक्वल टू कितना, ट्वेल्व हो जाएगा, तो टू एन स्क्वायर लिखेंगे तो कितना आएगा, 24। कितना आएगा, 24। तो 24 ऐड करने पर कितना हो जाएगा, तो आपका 64। तो 64 का रूट अंडर कितना, 8। इसलिए इसका फाइनल आंसर आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका 77। कहा जा रहा है कि फल बिक्रेता है जो 40 80 संतरे बेचकर, कितना 80 संतरे बेचकर 95 संतरे का मूल्य वसूल करता है। मतलब जितना फल आपका विक्रय मूल्य, जितना पैसा आएगा बेचेंगे 80 फल, वो खरीदा जाएगा कितना, 95। तो देखिए तो कितना फल का हम लोग को प्रॉफिट हुआ, तो 15। 15 बटा कितना हो जाएगा, तो विक्रय मूल्य कितना बेचे हैं हम लोग, 80 फल बेचे हैं। ठीक है, इंटू क्या, 100, इंटू क्या, 100, इसको कट कर देंगे, ये कितना आ जाएगा, 4, इसको कितना आ जाएगा, 5। तो 75 बाई कितना, 4, तो आप लिख सकते हैं 18 पॉइंट कितना, 75%, जो कि आपका ऑप्शन कौन सा, ए। या ऐसे भी आप लोग पढ़े होंगे कि अगर एसपी अगर दे रखा है 80 एसपी इक्वल टू 95 सीपी के बराबर है, तो एसपी और सीपी का रेशियो अगर लिखा जाए तो 95 इज टू कितना, 80। तो देखने पर यहाँ पर कितना का फायदा हो रहा है, तो 15 किस से, तो 80 से, इंटू क्या, 100। परसेंट जब सोल्व कीजिएगा तो 18 पॉइंट कितना आएगा, 75% आपका आ जाएगा। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका 78। 78 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा कि एक दुकानदार किसी मशीन पर 18% का छूट देते हुए उसे 48,380 रुपीज में बेचता है। यदि वह छूट नहीं देता तो उसको 18% का लाभ होता, तो मशीन का क्रय मूल्य आपको बताना है। किसका, मशीन का क्रय मूल्य आपको बताना है, मशीन का क्रय मूल्य मतलब मूल्य कितना में खरीदा गया था स्टार्टिंग में। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट इसको बनाते हैं, इसको जो बेचा गया तो कितना परसेंट छूट पर, 18% छूट पर। तो हमको बिना छूट पर चलना है, निकालना उसका वैल्यू, मतलब अंकित मूल हमको निकालना होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर कितना, 48,380 इंटू डिस्काउंट दिया जा रहा 18%, मतलब सेल कितना गया है, 82% पर, 82% पर।
नो डिस्काउंट का मतलब क्या, हंड्रेड्स में बेचा जाएगा, तो ये आपका इतना रुपया में बेचने पर उसको 18% का क्या होगा, लाभ होगा। तो क्रय मूल्य निकालना है, तो 18% का लाभ होगा मतलब विक्रय मूल्य है, इसलिए 100 में जोड़ देंगे तो 118, और चाहिए क्रय मूल्य इसलिए 100 से हम लोग क्या करेंगे तो मल्टीप्लाई, ठीक है। तो इसको अगर कट करते हैं तो 5 times में क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 50,000 इसका क्रय मूल्य, मतलब ऑप्शन कौन सा होगा, तो डी इसका आंसर सही होगा, ठीक है, आंसर डी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 79 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आपका कौन भिन्न में अवरोही क्रम में आपको सजाना है, ठीक है। अवरोही क्रम का मतलब यह हुआ कि सबसे छोटा, उसके बाद आपका बड़ा, फिर उसके बाद आपका क्या होगा, बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हैं, या हम लोग डिवाइड करके भी हम लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए, यहाँ पर अगर इसको हम लोग देखा जाए, सबसे पहले अवरोही क्रम मतलब सबसे पहले क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, बड़ा नहीं बल्कि क्या, छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई इससे अगर करते हैं, ये दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 12 34 हो जाएगा, 3 आपका कैरी, और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तो इस साइड में आ जाएगा 200, कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करना, इसको मल्टीप्लाई करें तो 72 7 आपका कैरी हो गया, ये कितना हो जाएगा, 25, ये 252, तो ये छोटा है, ये क्या है, बड़ा है। चलिए यहाँ पर तो ठीक है, अब यहाँ पर चेक करते हैं कि ये है या नहीं है, इसको भी चेक कर लेते हैं। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 19 में 4 से गुना करेंगे तो 6 7 आपका कैरी, और 7 मतलब कितना हो जाएगा, 266 आया। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका, 210 कैरी और 27 मतलब 272 आ रहा ना, मतलब ये इससे क्या है, ये आपका क्या है, ये आपका ग्रेटर है, ये भी क्या है, ग्रेटर है, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करने पर हम लोग का जो आया था, यहाँ पर मल्टीप्लाई किए थे कितना आया था, 4320 आया था, मतलब ऑर्डर क्या है, सही है। इसलिए आपका ऑप्शन कौन सा होगा, तो ये आपका पहला ही ऑप्शन क्या, अवरोही क्रम में सही है। या दूसरा का तरीका ये है कि आप पॉइंट में कन्वर्ट करके इसको बना लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 80 है, कहा जा रहा कि पी और क्यू ने एक साथ काम पूरा किया, उन्हें 1,080 रुपया 1,440 रुपया भुगतान किया गया। यदि पी पूरे कार्य को 20 दिन में कर सकता है तो एक साथ मिलकर पूरा कार्य करने में कितना समय लगेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए यहाँ पर जो आपका रुपया पैसा जो दे रहा है वो क्या होता है, इफिशियंसी होता है। तो पी और क्यू का एफिशिएंसी हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं कि कितना होगा एफिशिएंसी। पी का कितना रुपया दिया जा रहा था, तो 1,080, क्यू का कितना, 1,440, इसको 0,0 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। इसको कट करेंगे 12 से तो 9 आएगा, ये 12 आ गया, फिर कट कर देंगे तो 3 और कितना, 4। रेशियो जो आया कार्य क्षमता का 3:2 कितना आया, 4 आया। अब पी का हमको पास दिया जा रहा है तो 3 unit tends to कितना, 20 days, तो 1 unit tends to कितना, 20 into 3, क्योंकि ये efficiency है, ये डेज है, तो उल्टा काम करते हैं, और दोनों मिलकर मतलब 7 efficiency से काम करेगा, तो 7 efficiency से कितना हो जाएगा, 60 / कितना, 7, ठीक है। तो इसको ब्रेक करेंगे तो 856, 4 / कितना, 7, आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो डी आपका आंसर सही होगा। आया बात समझ में, तो याद रखना है यहां पर जो रुपया पैसा जो होता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करते भी हैं तो हम लोग क्या, बांटते भी अगर हैं तो कार्य क्षमता के अकॉर्डिंग, या अगर रुपया पैसा दिया भी हुआ है तो उससे भी आप कार्य क्षमता निकाल सकते हैं, एफिशिएंसी फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81, प्रथम 6 आभास संख्याओं का औसत क्या होगा। तो आपको प्रथम 6 आभास संख्या लिख लेना है, 2 होगा 3 होगा 5 होगा 7 होगा, अगला कितना, 11 हो गया, और अगला नेक्स्ट कितना, 13, 6 हो गया ना, डिवाइडेड बाई आपका कितना हो जाएगा, 6 होगा।
तो चलिए जोड़ते हैं, तो ये कितना हो गया, 10, 17, 28, 28 और ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 41 बाय कितना 6, तो कितना हो जाएगा 6 पूर्णांक आपका 5 बटा कितना 6, ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन कौन सा, सी आपका ऑप्शन सही दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 82, कहा जा रहा कि रूट एक्स माइनस 1 बाय रूट एक्स इक्वल टू 5 दे रहा और हमको वैल्यू निकालना है x का पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ऐसे केस में हम लोग यहाँ पर पावर 4 दे रखा है, यहाँ पर कितना 2, तो ये इक्वल पावर होना चाहिए, इस कारण से यहाँ पर क्या कर रहे हैं, x से डिवाइड और नीचे भी x से डिवाइड कर दे रहे हैं। डिवाइड करने पर कितना आएगा, x का क्यूब प्लस 1 बाई एक्स का क्यूब डिवाइड बाई x प्लस 1 बाई एक्स, इसका वैल्यू हमको निकालना है। तो प्लस का केस में दे रहा, इसलिए क्या करेंगे, इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड पर हम लोग करेंगे तो कितना आएगा, एक्स प्लस 1 बाई एक्स माइनस 2 होगा, तो उधर जाकर 2 आपका ऐड हो जाएगा, तो 5 और 2 कितना हो जाएगा 7। अब हमको क्यूब का चाहिए, एक्स का क्यूब प्लस 1 बाई एक्स का क्यूब, तो आप लोग फॉर्मूला जानते होंगे, कॉन्स्टेंट का क्यूब माइनस 3 इंटू क्या कॉन्स्टेंट, तो आपका 3 2 2 आपका हो जाएगा। और एक्स प्लस 1 बाई एक्स का वैल्यू कितना दे रखा है, तो 7, तो आपका वैल्यू जो आएगा वो कितना आएगा, 3 2 2 डिवाइड बाई कितना 7। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो इसको 4 बार में कट करेंगे और कितना 6 बार में, मतलब कितना आ जाएगा 46 आपका आंसर सही होगा, आंसर कौन सा 46, क्लियर है। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर आपका 83 आपका कंपेयर करके आपको दिया जा रहा है, जैसे कि ए 20 से 25% अधिक है, बी सी से 40% कम है, यदि सी डी से 20% क्या है अधिक है, तो ए डी से कितना प्रतिशत कम है। चलिए तो यहां पर जब भी इस तरह से केस रहे तो आप उल्टा लेकर चलिए, या आप डायरेक्ट यहां से भी लेकर चल सकते हैं, इसको डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं आप, जैसे कि ए लिख लीजिए बी सी डी, तो ए बी से कितना 25% अधिक है, ये अगर 100 रहेगा तो 125 होगा, रेशियो कितना हो जाएगा 5:4 आएगा, ये अगर 5 है तो ये कितना आएगा 4 आएगा। यहां पर सी से 40% कम है, ये 100 होगा तो ये कितना होगा 60 होगा, 0 0 कैंसिल होगा, 3:2 कितना 5, इसका अगर 3 है तो ये रेशियो कितना आएगा 5 आएगा। सी से और डी में रिलेशन कहा जा रहा है, डी से कितना 20% अधिक है, 120, मतलब 6 और कितना 5, 6 और कितना 5, तो यहाँ पर हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, लास्ट वाला टर्म को हम लोग आगे बढ़ा देते हैं, 3 यहाँ पर 6 6, और सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को क्या रेशियो आ जाएगा, ये कितना हो गया 100। और चाहिए हमको किस से, ए और डी से ही ना, तो ए के लिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे 15 6 कितना 90, डी से कितना कम है तो 10%, 10 कम है, 100 से ही 10 कम है, मतलब कितना डायरेक्ट आपका आंसर हो जाएगा कितना 10% कम है, मतलब ऑप्शन क्या, तो सी आपका आंसर बिल्कुल सही होगा, बी और सी का निकालने की जरूरी नहीं है, इसलिए डी का और ए का भी आप निकाल सकते हैं, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 84, ये सिंप्लीफिकेशन है, तो चलिए यहां पर हम लोग कितना लिखेंगे, फ्रैक्शन को हटा देंगे, तो 3 बाई कितना 2 प्लस, इसको देखिए सोल्व करते हैं, ये कितना हो जाएगा 10 बटा कितना हो जाएगा 10/7 डिवाइडेड बाई, ये ब्रेक करेंगे तो कितना हो जाएगा 8/5 और ये कितना 5/4, 4 ये 2 हो गया, 5 5 कैंसिल हो जाएगा, तो डिवाइडेड बाई कितना आ गया 2, तो इसको 10/7 गुने 1/2 कितना आ गया 5/7, कितना आया 5/7 इंटू आपका 7/ कितना 3, 7/3 इसको क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो 3/2 प्लस कितना 5/3, सोल्व करेंगे तो 9 और 10 19/ कितना आ गया 6,
इसका वैल्यू कितना आया 19/6। अब इसको चलते हैं सोल्व करते हैं, 6 2 कितना 8/3 गुने डिवाइड है तो प्लट देंगे कितना हो जाएगा 9/4 इंटू 5/6 और प्लस कितना है 14 है ना। चलिए इसको कट कर दिए तो कितना आ गया 3, इसको कट करेंगे तो 2 3 दूना कितना हो गया 6 और बचा कितना 5 और 14 कितना 19, कितना बचा 19, तो बटा में कितना हो जाएगा 19, तो कितना 19/6 गुने 1/19 कैंसिल हो जाएगा, कितना वैल्यू 1/6, 1/6 ऑप्शन कौन सा ए आपका सही होगा। ठीक है चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 85। 85 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि दो शहर के बीच की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 7 घंटे में तय की जाती है, चाल किलोमीटर में कितनी वो बढ़ी ताकि 2 घंटा यात्रा समय बच जाए, मतलब 2 घंटा का क्या आना चाहिए डिफरेंस आना चाहिए। तो देखिए यहां पर देखिए 2 घंटा मतलब कितना क्या स्पीड से जा रहे थे 50, कितना 7 घंटा में पहुंच जा रहे थे, तो टोटल दूरी कितना 50 गुने कितना होगा 7 डिवाइडेड बाई, अब 2 घंटा कम समय लेना है, पहले 7 घंटा समय ले रहा था तो अब 2 घंटा कम समय लेना है, मतलब 7 - 2 मतलब 5 हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो 10, मतलब 70 किलोमीटर प्रति घंटा हम लोगों को स्पीड रखने पर 2 घंटा कम समय लगेगा, इसलिए पहले स्पीड कितना था 50, अब स्पीड कितना 70, तो कितना इंक्रीज किए वृद्धि कितना किया गया चाल में, तो चाल में वृद्धि कितना 20 किलोमीटर प्रति घंटा हम लोग वृद्धि किए, जो कि आपका ऑप्शन कौन सा बी आपका सही होगा। क्लियर है ऑप्शन कौन सा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 86। ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 6 दे रखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 32, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का भी फॉर्मूला आपका वैल्यू दिया रखा है कितना 189, तो 4abc का वैल्यू आपको निकालना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग को ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू निकालना होगा, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, ए प्लस बी प्लस सी का कितना होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए, तो यहाँ पर कितना इसका वैल्यू दे रखा है तो 6 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 36, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना दे रखा है तो 32 प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए, यहाँ पर घटाएंगे तो 4 आएगा, 2 से कट कर देंगे तो कितना आ गया 2, मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू कितना आ गया, तो हम लोग का वैल्यू आ गया 2। हम लोग को वैल्यू निकालना है किसका, गुणा के रूप में 4abc का वैल्यू निकालना है। तो देखिए तो यहाँ पर a का क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc फॉर्मूला कितना a प्लस बी प्लस सी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस यहां पर प्लस कर देते हैं बी सी प्लस सी ए। ठीक है, इसका वैल्यू हम लोग के पास मालूम है कितना है तो 189 माइनस 3abc इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना 6, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू कितना 32 माइनस इसका वैल्यू हम लोग के पास कितना आया था 2, तो 2 पुट कर देंगे तो कितना आ गया 6 × 30 मतलब 180। इसको इस साइड में ले जाकर घटा देंगे तो 3abc इक्वल टू आ जाएगा 9, इसको कट कर दिए कितना आ गया 3, हमको चाहिए कितना तो 4abc का वैल्यू, तो abc का वैल्यू कितना आया 3, तो आपको 3 × 4 डेट मीन्स आपका आंसर कितना 12, ऑप्शन कौन सा तो डी आपका सही होगा ऑप्शन डी। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 87। 87 क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, ठीक है
इसलिए आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 88, ये आपको सोल्व करना है, तो एक एक करके पहले सोल्व कर लेते हैं। तो ये 2 × 2 कितना हो जाएगा, मतलब 4 × 1 कितना 5, आपका नीचे क्या होगा 5 और ऊपर चल जाएगा 2। इसको सोल्व करें, 5 × 2 = 10, 2 कितना 12, मतलब 12 / कितना 5 आया वैल्यू इसका। ये 3 × 3 = 9, 1 कितना 10, ऊपर कितना हो जाएगा 3, इसका वैल्यू हो जाएगा 30 × 3 = 33 / 10, 33/10 आपका वैल्यू क्या है 35.7। माइनस माइनस दोनों का कॉमन कर लेते हैं तो कितना आपका 33/10 और प्लस हो जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 से ऊपर नीचे गुना कर देते हैं, यहाँ पर भी 2 से, यहाँ पर भी 2 से गुना कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा 24/10, क्योंकि एलसीएम लेने में हमको इजी हो जाएगा, 24/10, तो कितना हो जाएगा 35.7 माइनस, इसको ऐड करेंगे तो 5 कितना आ जाएगा 7, सबट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ गया 30। आपका आंसर कौन सा, तो बी आपका आंसर सही होगा। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन है, अलग अलग करके हम लोग उसको काम कर लेंगे। यदि 2 वृत्त के त्रिज्या का अनुपात 3:4 है, 3:4 दे रखा है, तो उनकी परिधि का अनुपात क्या होगा, तो सेम होगा, परिधि का अनुपात भी कितना होगा 3:4 होगा, क्योंकि परिधि 2πr1 और रेशियो 2πr2, 2π 2π कैंसिल होगा, r1 और r2 सेम रेशियो आ रहा ना, तो याद रखिएगा वृत्त के अगर परिधि का रेशियो जितना होगा उतना ही रेशियो त्रिज्या का भी होगा, उतना ही रेशियो व्यास का भी होता है, या जो वृत्त का, 2 वृत्त का अगर त्रिज्या का अनुपात अगर दिया हुआ है तो परिधि का अनुपात भी सेम होगा और व्यास का भी अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। क्षेत्रफल का अनुपात अगर कहता है तो डायरेक्ट क्या करेंगे, जो भी रेशियो दिया गया है त्रिज्या का या व्यास का या परिधि का, उसका स्क्वायर कर दीजिएगा, क्षेत्रफल का रेशियो आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 89, यदि 2 वृत्त, हाँ ये तो बता चुके हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 90 क्वेश्चन में कहा जा रहा कि एक पुरुष स्थिर जल में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, मतलब उसका चाल, अपना चाल दिया गया है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कहा जा रहा है कि नदी का चाल दे रहा है कितना 3 किलोमीटर प्रति घंटा, जाकर वापस आने में कितना घंटा समय लगता है, तो 1 घंटा समय लगता है, तो उसके द्वारा तय की गई दूरी, टोटल दूरी आपको निकालना है, तो दूरी के लिए क्या होता है, समय कितना दे रहा है 1 × जाते समय में इसका स्पीड कितना हो जाएगा 10 × 3 कितना 13, आते समय में क्या घट जाएगा 7 हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ गया 20। ठीक है, और जाकर वापस भी आना है तो टोटल डिस्टेंस आपसे पूछा जा रहा है, इसलिए इंटू कितना 2, इसको कट कीजिएगा कितना आ जाएगा 10 × 91 9.1 किलोमीटर, 9.1 किलोमीटर, जो कि आपका ऑप्शन कौन सा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 91 नंबर, 3 संख्या x और y का योग दे रहा 36, y और z का योग दे रहा है कितना 44, z और x का योग दे रहा है कितना 50, हमको x प्लस किसका, y का वैल्यू दे रखा है कितना 36, y प्लस z का वैल्यू आपका 44 और z प्लस x का वैल्यू दे रखा है कितना 50, ऐड कर देंगे तो यहाँ पर x कितना, 2 x है, 2 y है, 2 z है, तो 2x प्लस y प्लस z इधर अगर सम करते हैं तो 80 100 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 130, इसको कट कर देंगे तो कितना आएगा 65। अब कहा जा रहा कि इसमें से कौन सा सबसे बड़ी है, बड़ी आपसे कौन सा है। ठीक है, तो ये पहले, सबसे पहले ऑप्शन में तो रहेगा नहीं, x और y दोनों एक साथ आपका कभी नहीं होगा, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी संख्या तो कोई एक ही बड़ी आपकी हो सकती है। तो क्या करना है, यहाँ पर योग जो देख रहे हैं, योग क्या है 50 है, ये क्या है 44 है, सबसे छोटा कौन है, यही है ना,
तो छोटा यही है, मतलब आपको x प्लस वाई, x प्लस क्या है y, मतलब z आपका सबसे बड़ा होगा, क्योंकि x और y का सम जो होगा वो कितना दे रहा है, 44 ही आपका दे रहा है। चलिए इसको घट, कितना 36 दे रखा है, छत्तीस दिया हुआ है। हम लोग का सम कितना आया था, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना 65 आया था। x और y का वैल्यू कितना 36, तो जेड का वैल्यू निकालने के लिए कितना आ जाएगा, 65 माइनस 36 सबट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 2 मतलब कितना 29 आपका आएगा, यही सबसे बड़ा होगा। नहीं तो अगर यहां पर y और z को घटाइएगा तो 44 घटाइएगा और क्या होगा, नंबर कम होगा। 50 घटाइएगा और नंबर क्या होगा, कम ही होगा। इसलिए आपको सिर्फ इसको भी देखकर आप आंसर दे सकते थे कि आपको सबसे बड़ा कौन होगा, तो z होगा, ऑप्शन कौन सा, ए आपका सही होगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 92। कहा जा रहा कि यदि एक प्राकृत संख्या का घन उस संख्या के वर्ग से 7 गुना अगर है तो संख्या कौन सी होगी, तो आंसर क्या होगा, 7 ही होगा इसका आंसर। क्योंकि अगर x का क्यू इक्वल टू कहा जा रहा है कि उस संख्या का स्क्वायर का 7 टाइम्स आपस में बराबर होगा, तो इधर भी क्या होना चाहिए, क्यूब ही होना चाहिए तब ना बराबर होगा, मतलब x है इसका वैल्यू तब ना x क्यूब हो जाएगा, x स्क्वायर और x क्या हो जाएगा, x क्यूब हो जाएगा, इसलिए आपका आंसर कितना 7 होगा। क्लियर, क्लियर है? जब भी कोई संख्या, जैसे मान लीजिए कि अगर x कौन ऐसी संख्या है जो कि आपको उसके स्क्वायर का अगर 5 टाइम्स है तो आंसर 5 ही होगा। अगर किसी संख्या का क्यू उसके स्क्वायर का 5 गुना है तो जितना गुना कहे वही आपका आंसर, अगर ए गुना कहेगा तो ए ही आंसर होगा, वो संख्या क्या होगा, ए ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 93। 30 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक कार का पहिया प्रत्येक 30 सेकेंड में 140 चक्कर करता है, मतलब घूमता है, परिक्रमण करता है, तो चाल बताना है, कार की चाल कितनी होगी। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, तो कितना राउंड कंप्लीट कर रहा है, 140, कितना समय में, तो 30 सेकेंड में। अब चलिए राउंड का मतलब क्या, 2πr वैल्यू में पुट करते हैं, आंसर देख रहे हैं तो क्या चीज में दिया हुआ, मीटर में दे रखा है, इसलिए सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे तो त्रिज्या कितना आएगा, 0.3। तो यहां पर 140 गुने 2 गुने 22 बटा कितना 7 गुने आर के वैल्यू 0.3 और समय कितना दे रखा था, तो 30। पॉइंट को हटाएंगे तो एक और आपका क्या आ जाएगा, 0 कैंसिल हो जाएगा, 7 दुना कितना हो गया 14, 3 भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया, एक 10 बचा हुआ है 88, मतलब 8.8 मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, 94। दो संख्या का अनुपात दे रहा है, यदि प्रत्येक में 10 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 7:5:7 हो जाएगा, तो संख्या कौन सी है, कौन सी संख्या होगी। तो देखिए यहां पर कितना का अंतर है, सेम नंबर जोड़ रहे हैं तो कितना का अंतर 2 है, और यहां पर भी क्या है 2 का अंतर है, डाटा क्या है बैलेंस है। तो ये 5 से कितना हो रहा, 5 से 7 हो रहा, मतलब कितना इंक्रीज कर रहा है इसमें, कितना बढ़ रहा, तो 2, 2 किसके वजह से, तो यही 10 नंबर के वजह से, तो एक रेशियो बराबर कितना 5, तो 50 कितना 25 और 5 तिहाई कितना 15, मतलब वो संख्या कितना हो जाएगा, तो 15 और 25, जो कि पहला ऑप्शन आपका दिया हुआ है, ऑप्शन कौन सा, तो फर्स्ट इसका आंसर होगा। कंपेयर आप लोग पढ़े होंगे इस तरह का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 95। एक संख्या
237 से उतनी ही बड़ी है जितनी की ये संख्या इससे कम। अब देखिए कोई भी एक संख्या अगर कम कहे और उतना ही बड़ी कहे तो उस संख्या अगर निकालना हो तो क्या कीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए और आधा कर दीजिए। तो जोड़िएगा तो सात सात 14 एक हो जाएगा, 8 हो गया, 7 हो गया, डिवाइड बाय 2 मतलब 392, यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन कौन सा, ए। जब भी कोई संख्या अगर बड़ी उसी संख्या से बड़ी उसी संख्या से छोटी अगर कहे कम कहे तो दोनों को जोड़कर बाय 2 कर दीजिएगा, वो संख्या आपको आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 96 में आपसे कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी संख्या का अंतिम अंक 3 है। एक्चुअली से क्वेश्चन थोड़ा सुधार कर लीजिएगा, यहाँ पर 109 का स्क्वायर है, यहाँ पर 82 का स्क्वायर है, 123 का स्क्वायर है और 77 का स्क्वायर, 77 का स्क्वायर है, ये मिस्टेक हो गया है क्वेश्चन में टाइप में इधर। तो देखिए तो यहाँ पर 9 है, 9 के स्क्वायर कितना होगा 81, यूनिट डिजिट इसी का ना आ रहा, इसलिए आपका यही आंसर हो जाएगा पहला, क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, इसका स्क्वायर करेंगे तो 9, 7 का स्क्वायर कितना 49, लेकिन इकाई अंक हमको चाहिए 1, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट आपका आंसर होगा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 79, राहुल और कुणाल की वर्तमान आयु दे रखा है कितना 7:5, 10 वर्ष के बाद कुणाल की आयु 45 वर्ष है, 10 वर्ष के क्या बाद, तो प्रेजेंट में कितना होगा माइनस 10 कर देंगे कितना 35, तो 35 राहुल का किसका दे रखा है आपका कुणाल का, तो 5:5 बराबर कितना है 35, मतलब 7 से गुना किया गया है, कितना से गुना 7 से गुना किया है, तो इसमें भी कितना से गुना होगा 7 से ही गुना होगा, तो कितना हो जाएगा 49, कितना आंसर होगा ऑप्शन बी होगा 49, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 98, कहा जा रहा कि एक धनराशि 2 वर्ष के लिए निश्चित दर पर साधारण ब्याज रखी गई है, साधारण ब्याज पर रखी गई है, 3% अगर अधिक कर दिया जाए दर को तो कहा जा रहा 72 रुपया अधिक दिया जाएगा, तो एक वर्ष में 3% तो 2 वर्ष में कितना 6% अधिक दीजिएगा, अब पैसा में कितना अधिक दे रहे हैं 72 रुपया, इसको कट कीजिएगा तो कितना आएगा 12, मतलब 1% बराबर कितना 12, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 1200, 100% का मतलब क्या प्रिंसिपल मूलधन होगा, तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ए आपका आंसर सही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 99, 1 से 100 के मध्य 2 के कितने ऐसे गुणज है जो कि 3 के गुणज नहीं हो, तो देखिए 2 का गुणज कौन कौन है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, लेकिन ये 6 तो नहीं लेना है ना, क्योंकि 3 का गुणज है, ये 3 का गुणज है, इसलिए 6 आपको नहीं लेना है, तो सबसे पहले जहां तक आपसे कहा जाए 2 का गुणज चाहिए तो जिस संख्या का गुणज चाहिए उससे डिवाइड कर देते हैं हम लोग, बटा 2 मतलब कितना संख्या 50 संख्या ऐसा होगा 1 से लेकर 100 के बीच में जो कि 2 का गुणज है, हमको किसका नहीं चाहिए गुणज, तो 3 का गुणज नहीं चाहिए, इसलिए 100 लेकिन वो 2 का गुणज होना चाहिए लेकिन 3 से गुणज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग कितना से डिवाइड करेंगे, तो इसको अगर डिवाइड हम लोग करते हैं, डिवाइड कर देते हैं कितना से 6 से, तो मतलब कितना हो जाएगा 50, ठीक है, और डिवाइडेड बाय ये कितना 3, मतलब आपका हो जाएगा कितना 1, पॉइंट में हमको नहीं लेना है, पॉइंट में हमको नहीं लेना है, और कितना 20,
तो आपको 20 हो जाएगा, 36 का 18 मतलब कितना, 16 घटा देंगे, 16 घटाएंगे तो कितना आएगा, 34, कितना आएगा 34। 34 ऐसी संख्या होगी जो कि 2 से तो डिवाइड होगी लेकिन वो 3 से डिवाइड नहीं होनी चाहिए, क्लियर है। चलिए 6 से क्यों किए हैं, क्योंकि आपको इसमें 3 का डिविजिबल मतलब 3 तो नहीं ना आ रहा है या 9 तो नहीं ना आएगा, इसलिए दोनों का एलसीएम 3 और 2 का एलसीएम कितना 6, इसलिए 6 से हम लोग डिवाइड करके चेक कर लिए। तो 2 से विभाजित होने वाली संख्या टोटल कितना होगा, तो 50 होगा, और 3 से गुणज नहीं होनी चाहिए, 2 से गुणज हो 3 से गुणज नहीं होनी चाहिए, 2 और 3 का एलसीएम कितना 6, 6 से इसको डिवाइड कीजिए, कितनी ऐसी संख्या होगी, तो 16 होगा, ठीक है। पॉइंट हम लोगों को नहीं लेना होता है, तो इसमें घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 34। ऑप्शन कौन सा, बी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 100। 100 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, स्टेटमेंट क्या ट्रू। तो देखिए यहां पर स्टेटमेंट विषम गुने विषम गुने विषम, और फिर विषम गुने विषम सम कहा जा रहा, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है, ये भी स्टेटमेंट गलत है। क्यों, क्योंकि 3 गुने 5, देखिए एक जगह आपका सत्य हो सकता है, देखिए 3 गुने 5 गुने कितना 7, तो ये कभी भी सम होगा तो सम नहीं होगा, नहीं होगा। या 11 गुने भी अगर 3 कर देते हैं तभी भी कितना आएगा 33, सम होगा नहीं होगा। लेकिन इसका आंसर देखिएगा क्या आएगा, अब देखिए यहां पर विषम संख्या है ना, विषम संख्या मतलब ये भी स्टेटमेंट गलत, ये भी स्टेटमेंट, ऑप्शन कौन सा, डी आंसर सही होगा। इसका आंसर क्या होगा, डी आपका सही होगा, ठीक है, क्योंकि विषम गुने विषम हमेशा क्या आता है, विषम संख्या ही आएगा, 5 गुने 3 या 5 गुने 7 यह हमेशा क्या आएगा, विषम ही आएगा, ठीक है। चलिए ओके, थैंक यू।